जय जगन्नाथ आपण मानू मु स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल रे मुझे प्रकाश आम मैंने आज आसी पहुँची थिलु कटक जिला अंतर्गत सिरलो ब्राह्मण खंड ग्राम रे ये स्थानीय आश्रम स्थानी ना हूँ गोमती आश्रम तेणु आम मैंने आसी पहुँची थिलु आपण मानक देखेबू स्थान भ्रमण करेबू आ भितर आम अनेक जिनस अच्छे आज्ञा आपण मानक देखेबू बहुत पवित्र और पुण्यर स्थान आज्ञा ये हूँ गोमती आश्रम एठारे वैष्णवीय परंपरार एठारे प्रचार प्रसार बाठार आश्रम ये वैष्णवीय धर्मवल्लामी मैंने पूजा अर्चना कर ये जो मुख्य फाटक अच्छी मेन गेट अच्छी प्रवेश द्वारा आज्ञा आपण मैंने देखिपे मोर भिजुआल मध्यम ये हूँ गोमती आश्रम श्री श्री गोमती आश्रम प्रतिष्ठाता महांत अक्षय देव दास महाराज आपण मैंने देखिपे मोर भिजुआल मध्यम ये हूँ श्री आश्रम मुख्य द्वार यही द्वार दे भर को प्रवेश करवा आम चलतु भितर कौन कौन सब अच्छी आम आपण दर्शन कराइबू देखूँ ये जन अंतवासी अच्छा माँ अच्छा एठार तेणु आम आश्रम भितर को जीवा और किसी आपण मानक आम देखू ये हूँ से आश्रम आज्ञा देखूँ गोमती आश्रम आपण मैं देखिपे मोर भिजुआल मध्यम आरी पेट तले आमको जीवा पड़ो तेणु ये हूँ बहुत सुंदर प्रतिमा आपण मैं देखिपे ये हूँ गोमती आश्रम मुख्य द्वार यही फाटक दे यही गेट दे भर को प्रवेश करा पड़ो चलतु आम भितर को प्रवेश करवा देखंतु आज्ञा आम वर्तमान आश्रम मुख्य गेट्र भितर को आम प्रवेश करूँ देखिपे मोर भिजुआल मध्यम देखूँ एठार अनेक गुड़े मंदिर अच्छी आपण मैं देखिपे देखूँ आज्ञा आपण मैं देखा ये हूँ गोमती आश्रम एठार राधाकृष्ण प्रतिमा अच्छी आज कौन कह आश्रम विषय आज्ञा गोमती आश्रम विषय आज्ञा बहुत दिन अद्भुत धरणर ये समस्या सब सृष्टि हो साधुघट गोमती आश्रम इठी साधु बाबा जन रही इठी आम बाबा अवस्थान कर बाबाध्यम आम समस्ते मिसी बाबा को गुरु रूप से पूजा करुचु आध्यात्मिक स्तर रे बहुत उच्च स्तर रे रही आम तर सेवा कर अच्छा एठाकार अलौकिक शक्ति विषय कौन कि अलौकिक शक्ति आमर इठी गोटे बटवृक्ष से बटवृक्षर एक ज्योति से बटवृक्ष फाटी जीवार एक ज्योति उद्ग्रहण है सेटा को समस्ते देखी बहुत आनंदित हेले तेणु समस्त इच्छा ये आसिकी आश्रम भागवत पाठ कर गुरु को सेवा करके जाती आज्ञा ये जन वैष्णव अच्छा मूर्ति अच्छा माँ के जन अच्छा चार पांच जन माँ अच्छा आपवा कौन आपणकर कौन सेवा गाई गोरु सेवा कर गाई गोरु सेवा करती गो सेवा आज आपखिपे मोर भिजुआल मध्यम ये हूँ गोमती आश्रम आज्ञा आपखिपे कटक जिला अंतर्गत देखूँ कटक जिला अंतर्गत निश्चंदकोली ब्लक अंतर्गत ये आज्ञा गोमती आश्रम आपखिपे दधी बावन आज्ञा आपखु ये हूँ दधी बावन प्रतिमा आज्ञा आपखिपे मोर भिजुआल मध्यम एठार दधी बावन पूजा पाँच आपण मैंने देखिपे मोर भिजुआल मध्यम देखु आज्ञा ये आज्ञा गोमती आश्रम कटक जिला अंतर्गत निश्चंदकोली ब्लक अंतर्गत ब्राह्मण खंड गाँव में यह आश्रम टी अवस्थित ये आश्रम नाम हूँ गोमती आश्रम आपण मैं देखिपे मोर भिजुआल मध्यम तेणु एटार आज्ञा देखु राधाकृष्ण प्रतिमा अच्छी विग्रह पूजा पाँच देखु देखु आज्ञा आपण मैं देखिपे मोर भिजुआल मध्यम एठार राधाकृष्ण और श्री राधाकृष्ण और विशाखा प्रतिमा एठार पूजा पाँच तेणु ये आज्ञा हूँ गोमती आश्रम ये कटक जिला अंतर्गत निश्चंदकोली ब्लक अंतर्गत ये हूँ ब्राह्मण खंड गाँ ग्राम से यह आश्रम अवस्थित आपण मैं देखिपे मोर भिजुआल मध्यम आज्ञा देखु षडभुज गौरांग एठार अवस्थित अच्छा पूजा पाँच प्रतिमा विग्रहटार पूजा पाँच देखते आज्ञा अनंत शयन प्रतिमा एठार अच्छी आज्ञा एठार अनेक गुड़े विग्रह अच्छी तेणु कौन कह गोमती आश्रम विषय आम तो ये दिन नहीं आम प्राय सात आठ वर्ष बहुत आध्यात्मिक जिनस आपको मिल निश्चय बाबा कृपार इटि भी आम जदि मुझे शिष्य है मोर मिसेस शिष्य होती
दरकार पड़े मिश्र सिंह को इंटरव्यू डाकदे से बहुत किसी कह बाबा गुरु देखु ये जो महंत अच्छा अक्षय दास महाराज तेणु तर हूँ ये गुरु तर गुरु देखते आज्ञा ये हूँ प्रतिमा आज्ञा आप देखिपे मोर विचार कलीजुगर युवाग्रम नहीं आम गोटे सर्वभारतीय साधु समय करुगर प्रमाणित हूँ भगवान नहांती अच्छा नहांती दुईविध प्रकार हूँ भगवान विद्यमान नहांती एवं अच्छा भगवान ना जीव सृष्टि तेनाली भगवान सृष्टि करेणु भगवान जीव आम जब सृष्टि करते आम गोटे जीव विनाश हेले आ गए जीव गढ़ी पार कि कितु सी गढ़ी पारे तदरूप टे आप द्वापर युग को मन करतु दंडकारण्य नवीश अरण्य दंडकारण्य जो षाठी सहस ऋषि मैंने तपस्या करुले से मैने समस्ते कलीजुगर विद्यमान होता केमी ना रामचंद्र से मर्यादा पुरुष जिते समय से सन्यास बेश परिभ्रमण करुले बनवास जा समय ताकु देखिकी ऋषिवृंद कमनय मधुर मूर्ति देख से सब विस्मय हो गले से चिंता कले जे आम जब गोटे गोटे नारी हो जातु आम ये दिव पुरुष को भक्तमान करूँ भगवान जापारे कह देख बर्तमान समय ना वर्णगामी वर्णवासी तुम मन मनस्कामना पूर्ण करना कि द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार है से समय तुम्हें मान सब गोपी हो जन्म हो नारी ही जन्म हो तेम तुम सहित मनमांसा पूर्ण कर से भगवान भक्त मान मनमांसा को द्वापर जुगरे से रास रचना करहस्र ऋषि मान को नहीं षाठी सहस्र गोपी रूप से सहित नृत्य कर मधुरमय जो भक्ति सब प्रेम ताको आस्वादन कर गोपी भाव कृष्ण प्राप्ति तेणु गोपी प्रेम व्यतीत नहला आम कृष्ण पाई ना तेणु आम गोपी हेले कृष्ण विद्यमान ही हेले तेणु से साधु संत माने महात्मा माने सब तांको अनुसरण कर से क्या केमती करे किए कौटे अच्छी आमर महात्मा महापुरुष अच्युतानंद पंचशाखा तो जानते तेणु सी या सब रचित करके जा कौट जन्म होती किए कौट रही कोई कौन कर कौन लीला कर सब प्रकार लिखिदे जापा ना माँ का ना घर सबकि संकेत दे घर द्वार मेरे कौन थी आम चिन्हवा जानवा ये करवा ती आम से अनुकरण कर तेणु कली जुगरे भगवान अवतार वैष्णव अवतार होते महाप्रभु चैतन्य प्रभु वैष्णव अवतार होते कहीं गोटे अच्छी राधा स्वप्न विलास से स्वप्न देखी थे जे कृष्ण आस्ते आस्ते मंडन हो सन्यास वैष्णव से कांदिले उठी गले हे प्राणनाथ जे मु कांदुंत कृष्ण पचारे कले हे माँ राधारानी कहीं कादुच ना कौन कह देख ली ये स्वप्न तेणु आपन सन्यास मत एक नुचिस ना हाँ मु प्रकृत सन्यास तेणु से रूपटा राधा को देखते सटकट कही देखते तेणु कली युग में भगवान से मनुष्य वैष्णव रूप धारण करते आगु जगन्नाथ दास आमर जो नवाखर भागवत राधे रचित भी करी युगरे नर हरि खेल वैष्णव रूप धरी तुंडे गोविंद नाम गाई दुभा उत्कृत तेणु सी से लीला प्रचार कर चलीगले आम बर्तमान कली युगरे आम श्रेष्ठ हूँ नाम जिते मंत्र जंत्र तंत्र जहाँ कि अच्छी
से महामंत्र धीरे ये हूँ महाराज मंत्र महामंत्र हूँ महामंत्र तादेह सब ही रही आम जदि से भजन साधन निष्ठा सहकार करवा तेणु आम पाई आम तो ये बड़ा भाग्य करानी आम साधन भजन मन प्राण कौन कली जुगर अच्छी ये जुगरे मन हूँ मलिन हृदय संकीर्ण तेनाली जुगे आम कौन करवा नक बड़ कठोर नुह काम क्रोध लिप्त सब मध्य अच्छा मध्यम समस्या तेणु ये शरीर साधन भजन बहुत व्याघात हुए प्रकृति इंद्रगण बहुत व्याघात दिखती तेणु आपको त्याग कर लोक मान रहा बड़ कष्टमय आपण मैंने देखुवे बर्तमान पुरुष ठार नारी पर्यत मदमांस मध्य रही तेणु से अवतार होती कली जुगे सब देवता माने सब ऋषिवृंदी माने आम जो मुनि मान कथा आम शुणी आसचु समस्ते अष्टम साधु वेश धारण करवतीर्ण होमें चिन्ह पारना आम को जदि गुरु गोविंद कृपा करे तो चिन्ह हो ना कह चिन्ह पारे ना कली जुगर शेष समय से सब अवतीर्ण मोर ये अधम चिंता रखी सब साधु महात्मा को पदार्पण करद धूड़ी टी नहीं मुझार्थ हो श्रीराधे श्रीराधे ये हूँ गोमती आश्रम दृश्य आज्ञा आपण मैंने देखते आम बर्तमान अच्छु गोमती आश्रम कटक जिला निश्चंद कोईल ब्लक अंतर्गत ये हूँ गोमती आश्रम आपण मैंने देखिपे मोर भिजुआल मध्यम देखु आपण मैंने देखिपे मंदिर दृश्य आज्ञा बहुत सुंदर एकदम बहुत मनोरम दृश्य आज्ञा मन को भल्ला भाया दृश्य आज्ञा हूँ गोमती आश्रम दृश्य आज्ञा आपण मैंने देखिपे मोर भिजुआल मध्यम ये स्थान आज्ञा देखु ये हूँ से गोमती आश्रम जो आश्रम गौड़िया परंपरा बा वैष्णवीय परंपरा को से मानती तेणु ये हूँ से गोमती आश्रम भितर पटर दृश्य तो आपण मानक आम देखाऊ ये हूँ गोमती आश्रम आपण मैंने देखु ये हूँ गोमती आश्रम दृश्य आज्ञा देखते गोमती आश्रम दृश्य आज्ञा ये मंदिर दृश्य आज्ञा देखु आपण को आम देखु ये हूँ गोमती आश्रम दृश्य आज्ञा आप देखु आप कौन जगदीश दास आप कौन कर रही पढ़ापढ़ी चलती ठाकुर सेवा चलती ठाकुर सेवा कर कौ सेवा आप सेवा सेमती देना आज्ञा कौन कह गोमती आश्रम विषय गोमती आश्रम विषय बहुत कुछ कहार कहना हाँ ये आगे गोटे गोमती नदी प्रभाव होता गुरु जो बर्तन गोमाता गोमाता रही थी आना भी गोमता आश्रम अच्छा गोमाता रही थोड़ा गोमाता आश्रम गोमती आश्रम कह ये कौन किसी चमत्कार हाँ ये अच्छे चमत्कार साधु बट आप देखुं सेठी तीन जन साधु अच्छा गोटे विराट सापटी अच्छे अच्छा प्रति से आम तो ये सब प्रकाश हो आम भी कही पार ये बरगछ जी कौ अमल से बरगछ क्या कही पांच वर्ष पचारे से कही साधु मानते अच्छा जीवित अवस्था ना कौन जीवित भी जीवित अवस्था नमस्कार आज्ञा नमस्कार या कौन कहे आश्रम विषय गोमती आश्रम विषय गोमती आश्रम तो गुरुदेव निज प्रतिष्ठित आश्रम आज्ञा ये जो साधु भट्ट अच्छा ये बहुत प्राचीन महापुरुष प्राचीन मान तथा अनुमान के वर्ष पाँच वर्ष तो निश्चित रूप से पाँच वर्ष पुरतन आज्ञा कहीं महापुरुष भट्ट संहितर साधु भट्टर महिमा अच्छे आमर साधु हरि गुरु बोली तीन महात्मा थी बोली महा गुरुदेव मुखर शुणीलु तेणुरी प्रतिष्ठित क्षेत्र हूँ ये साधु भट्ट तेणु साधु भट्ट को मूल कर महाराज आम ये अनुष्ठान करते गोमती आश्रम नाम देवार उद्देश्य था जे गाई आयु प्रथम कर जेहेतु अनुष्ठान उन्नति करेणु गाई उद्देश्य रखी एटी आश्रम ना गोमती बोली दि जाइए 1968 मसीह महाराज प्रथम कर अनुष्ठान करते धीरे धीरे पर्णकुटीर आरंभ कर अनुष्ठान डेवलप 68 मसीह 1968 मसीह स्थापन हो आज्ञा अच्छा से बटवृक्ष आम जो रहस्य शुणा पाइल सन्थ अच्छा
ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ୟ ନ ଏବେ ତ ସେଠି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଗୋଟାକି ଏଠି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଠା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଟିଆକୁଦ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାଧି କରାହେଇଛି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଜଟିଆକୁଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜଟିଆକୁଦକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ରହୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଯିଏମାନେ 80-90 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ବୟସ୍କ ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କେହି ସାଧୁସନ୍ତ ରହୁନଥିଲେ। ଏଇ 68 ମସିହା ବର୍ଷ ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ଏଠି କରିକି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ନାଁ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି 108 ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ଦେବ ଦାସ ମହାରାଜ। ରାଧେ ରାଧେ ଆଜ୍ଞା। ରାଧେ ରାଧେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ? ଆଶ୍ରମ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୋର ତ ଇଏ ଜୀବନ ଧନ ପ୍ରାଣ ମୋର ସବୁକିଛି। ଏ ମଠ ମୋତେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କିଛି ଅଛି। ଏଠିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ଠାକୁର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆବେଳୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ପୂଜା କରେ, ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ। ପେଶାରେ କ'ଣ? ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ ଇଏ ସିଙ୍ଗର, ସିଙ୍ଗର, ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିର ସିଙ୍ଗର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଷ। ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭାଗି ଆମ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଥିବି। ମୁଁ 72ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। 72ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ ବୋଧେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି, ସେଇଆ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଛୁଆ, ମୋର 76ରେ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର 76ରେ ଜନ୍ମ। ବାବା, ମୁଁ 72ରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ସେମିତି ଦୀର୍ଘା ଆପଣ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାଇ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଗକୁ ସୀମିତ ହଉ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାହିଁ ଯେଉଁ ଛେନା ଆଉ ରସଗୋଲା ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 29 ଜାନୁଆରୀ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ବଙ୍କର ଅଛି, ତା'ର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରୁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଏବଂ ଚାରିଧାମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାଧୁ ହନୁମାନ କେତେ ସାଧୁ ଆସି? ହନୁମାନଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 2000-3000 ସାଧୁଙ୍କର ଏଠି 3000 ସାଧୁଙ୍କର ଆଗମନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ସାଧୁମାନେ ଆସି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଭାରତ ପୁରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ସନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁ ନା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ? ନାଇଁ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଭାଷାର ଇଏ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାର ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ସାଧୁ। ମହାତ୍ମା ସାଧୁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଇଏ ମୋର ମିତ୍ର, ମିତ୍ରକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏନି, ତେଣୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏନି, ସେ ବିନା ବିନା ଡକାରେ ଆଜି ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିଲେ, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବି ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି ନ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦିଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚି ନଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଏ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସି ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଲାଭ। ଆମର ଆଶ୍ରମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଧୁଭଟ୍ଟ ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମ, ସିଲ୍ଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣପଣ, ରଘୁନାଥପୁର, କିଶୋର ନଗର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତ୍ପତ୍ୟାଦି ତେବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆଉ ବିଗ୍ରହବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର
अहेतुक कृपा जो आज से आचार्य मैम विराज विजानियात जो प्रभु कहते जे मु आचार्य रूप से अर्थात गुरु रूप से ये कलियुगर मो सब जुगरे सब समय गुरु रूप से आविर्भाव हो मोर भक्त को कृपा करथाय सेतिपई आज से गुरुदेव आश्रित हो ये आश्रम मोर तो केते वर्ष दीर्घ केते वर्ष मुझे किंतु 99 मु गृहत्याग कर आश्रम निवास करुच्छे सदगुरु चरणाश्रित आज्ञा प्रणाम आज्ञा आज्ञा केते वर्ष लाइन ये आश्रम अच्छा आज आरंभ रु हाँ आपत वर्ष होगा छयाशी वर्ष होगा अच्छा आरंभ रु अच्छा हाँ से कौन आश्रम यही प्रकार थिला ना किछि न थिला किछि न थिला बापा मुझे गोदा जगन्नाथ आज्ञा मो ना पुकजिन दासी मु आश्रम आज को 20 वर्ष होगा कौन की सेवा करती आप मोर सब फूल तोले बासन मारे झाड़ करू मा कई जन अच्छा आश्रम चार जन अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आज आप नाटा नरहरिचरण दास आप आश्रम के 35 वर्ष आप बयस बयस 54 वर्ष आप तो जना जाऊना 54 वर्ष भाया आगे सत कथा कह जना जाऊना लगुच 45 वर्ष भाया अच्छा आपण सेवा आश्रम सेवा मु गुरुदेव सेवा अच्छे गुरुदेव वर्ष लाइम आश्रम तो घर घर ये आज्ञा आपण कौन सेवा मो आश्रम माँ प्रणाम आपण केते वर्ष लाइ आश्रम मु बहुत दिन है आसली कि मझे मझे आसे जाए ए रोच मसे दिमास तीन मस चार अच्छा आपण सेवा आश्रम यही तो देखुं ये सेवा सब फूल तोला फूल गुंथा फूल तोला फूल गुंथा आज्ञा आज्ञा यही तो कम ठाकुर ठाकुर जगार ठाकुर कम आप देखिपे ये हूँ गोमती आश्रम दृश्य आपण मानक आम देखु ये हूँ गोमती आश्रम आपण देखु जीवन वास्तविक सत्यता को ये प्रतिपादन करुच्छे देखु मनीष जीवन रज्ञा ये हूँ सत्यतार प्रतिपादन करुच्छी चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख किनार खार छार देह को मन करिछु सज छंद कपट तेजी गोविंद भज तेणु ये हूँ जीवन सत्यता आज्ञा आपण मैं देखिपे ये हूँ जीवन सत्यता देखूँ आम शरीर वमर ये अंगर कि सत्यता ना आज्ञा आम काली आम जीवन चलीगले आज्ञा ये हाड़ कंका नर कंका जो आप देखुं यही आम सत्यता तेणु यही हम बास्तविकता आपण मानक आम कह मान देखार मान आज्ञा कौन सत्य ये शरीर कि मूल्य ना आज्ञा ये शरीर कौन गोटे टकर भी मूल्य ना आज्ञा आम आज जन्म होचे काली कौन हम ता पर दिन कौन हम तार भी कही पारानी आम तेनाली प्रति मुहूर्त प्रति सेकेंड भी आम कि मूल्य ना गोटे 10 टंकिया इलेक्ट्रिक बल्ब गोटे 10 टंकिया जिनस गोटे 100 टंकिया जिनस आज्ञा तार भी वारंटी ग्यारंटी अच्छे आज्ञा कितु मनीषर कोटि कोटी टकर अमूल्य संपद मनीष तार कौन भी मूल्य ना तार कौन भी तार ग्यारंटी ना तेणु ये हूँ सत्यता ये हूँ बास्तविकता देखु ये अनंत कल्की देखु तेणु यठार पूजा पाँच आउ कलाधड़ा घोड़े चढ़ी बर्तमान अनंत कल्की देख देखु आज्ञा यही बट मूल साधु बसी तपस्या करुले ये हूँ से ही बट साधु बट आज्ञा देखु ये बर एवं ओस्त दुईटा जाक गछ मिसिकी ये स्थान में गोटे कोरड़ भाया गर्त भाया सृष्टि कर स्थान में आज्ञा साधु मैंने अच्छा एठाकर संथ बा एठाकर आश्रम जो मंतेवासी अच्छा से मैंने कहते जेठारे रात्र समय तीन जन साधु आज भी ये स्थान में यही स्थान बाहर तेणु ये स्थान आज्ञा कौन पाई कौन ये तो गुप्त रहस्य पीठ आज्ञा देखु एठारे आज्ञा मालिका बंदित पीठ आज्ञा यही गर्त कोरड़ भितर आज भी ऋषि मतलब ऋषि आज्ञा देखु ये स्थान में
ପ୍ରକଟ ରାତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାନଦୀ ଅଛି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଟିଆକୁଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟି ଏଠାରୁ ଜଟିଆକୁଦକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛର କୋରଡ଼ ବା ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏହି ତାରି ବି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ତେଣୁ ହେଉଛି ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଚାରିପଟେ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଜୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ଆପସ ଭିତରେ ଏକଦମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମତି ଆଶ୍ରମ ଏଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିବାରୁ ଇଏ ଆଶ୍ରମର ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରଟିଏ ଖାଅ ଭକ୍ତିରେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ଇଏଟା ଗୋମାତା ମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଆଶ୍ରମର ନାମ ବି ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାମ ଧରି ତେଣୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ଗୋମାତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଗୋମାତା ସେ ବାଗୁ ବୋଲନ୍ତେ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି କହନ୍ତି ଗାଈ ରଖୁଆଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୀରରେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଗୋମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋମାତାମାନେ ତୃଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋ ବୋଲନ୍ତି ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ବାଛୁରୀ ହୋଇକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅମୃତ ପାନ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଗୋ ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ ତେଣୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେ ବଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବଶ କରି ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟଥିତରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥାଉ ତେଣୁ ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରିୟସୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ ରସଦାୟିନୀ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟିନୀ କଲ୍ୟାଣୀ କଲ୍ଲୋଳିନୀ ତେଣୁ ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଗୋସେବା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋସେବା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେବ ଗୋମାତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମ ବୋଲିକି ନାମିତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମର ଗୋଶାଳା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗାଈ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କରାଯାଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମର ଗୋଶାଳା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏ ଗୋମତୀ ଆଶ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ।